अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मासिफ रजा शिराजी, आज एक नई टीचिंग टीम के साथ। आज मैं आपको क्लिकर्स के बारे में बताऊंगा। क्लिकर्स बेसिकली एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है, जिसकी मदद से हम क्लास के अंदर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को यूज करते हुए इंस्टेंट फीडबैक स्टूडेंट का ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम clickers.com/login की वेबसाइट ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट को यूज करते हुए लॉगिन होंगे, अपना फ्री अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि क्लिकर्स को यूज करने के लिए टीचर के पास दो डिवाइस होने चाहिए, एक तो लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए और उसके साथ एक सेल फोन एंड्रॉयड या आईफोन होना चाहिए। जैसे हमने वेबसाइट सिस्टम के ऊपर हमने लॉगिन क्रिएट किया, इसी तरह मोबाइल फोन के ऊपर इसके साथ जो है क्लिकर्स की ऐप डाउनलोड करनी है और इसी जीमेल अकाउंट के जरिए से वहां पे भी अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन होना है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो पेज ओपन हो गया, लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे। जो क्लासेस डेमो क्लास के नाम से ऑलरेडी क्लास क्रिएटेड है, तो न्यू क्लास को यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लास से मुराद 8 डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूल के अंदर डेली बेसिस पे 8 क्लासेस यानी 8 पीरियड्स होते हैं, तो सेम उसी सिनेरियो के अंदर हम क्लास का नाम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, उर्दू क्लास का नाम। उसके बाद क्रिएट क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करके हमने क्लास क्रिएट कर दी। उसके बाद यहाँ पे सामने आपको ऐड स्टूडेंट का बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसको क्लिक करते हुए हम स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट नेम सम से हमने डिफरेंट नेम्स स्टूडेंट्स की ऐड कर ली और नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये हमारे वही स्टूडेंट शो हो रहे हैं और डन करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं इस क्लास के अंदर। इसी के अंदर एक और चीज यहाँ पे आप देखिएगा कि यहीं पे क्लास के सामने आपको ये एक गो टू स्टूडेंट के आइकन नजर आ रहा है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के नामों की लिस्ट नजर आ रही है और एक नई चीज नजर आ रही है कार्ड नंबर के नाम से। कार्ड नंबर हर स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कार्ड नंबर असाइन कर दिया है। तो ये कार्ड नंबर बेसिकली क्या है? कार्ड नंबर्स जो है ये बेसिकली क्लिकर्स कार्ड हैं जो हम इस असेसमेंट के अंदर यूज करते हैं, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हमने क्लास जनरेट कर ली। क्लास जनरेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर हम जाएंगे कि न्यू सेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और न्यू सेट को यूज करते हुए हम अपना एक एमसीक्यू टाइप क्विज प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एक सामने एक कार्ड डिस्प्ले हो गया है, तो इसके ऊपर हम ऊपर अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। नीचे हम उसके ऑप्शन देंगे, मतलब हमने ऑप्शन सिलेक्ट करके जिस तरह से हमारे क्वेश्चन क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे हम इसके राइट ऑप्शन के लिए जो भी हमारा राइट ऑप्शन होता है उसके ऊपर हम इस तरह से क्लिक करके उसको हम राइट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे शफल का एक ऑप्शन है, शफल चॉइस, तो शफल को क्रिएट करते हुए हम यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन हैं वो शफल हो सकते हैं, उनकी सीक्वेंस हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन को यूज करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कोई भी इस तरह से वन बाय वन हम अपने डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने तमाम क्वेश्चन यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे आपको ऐड टू क्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, हमने ऐड टू क्यू पे क्लिक करना है। और ऐड टू क्यू पे क्लिक करने के बाद हमने ये हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस शो हो रही है, तो हमने इस क्वेश्चन को किस क्लास के लिए डिजाइन किया है, किस क्लास के अंदर इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं उर्दू क्लास के अंदर इसको क्यू कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो जो हमने एक क्वेश्चन बनाया वो उसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरह से ये हमने एक क्वेश्चन डिजाइन कर लिया। और यहाँ पे वापस हम अपने होम पेज पे आते हैं, तो हमने एक क्वेश्चन डिजाइन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन बनाया था ये अनटाइटल सेट के नाम से, उसको मैंने नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम उसको नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास
उसके बाद ये लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी के अंदर क्या है, जो भी हमने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, वो हमारे लाइब्रेरी के अंदर सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसको नाम देना चाह रहे हैं तो ये ऊपर जैसे था उर्दू क्विज, यहाँ पे हम उसको इस तरह से नाम भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा नाम भी इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा देखें यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इस तरह से हमने क्लास क्रिएट कर ली। क्लास क्रिएट करने के बाद हमने उसमें स्टूडेंट्स ऐड कर लिए। स्टूडेंट ऐड करने के बाद हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लिए। जब सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है कि हमने कैसे जो है वो क्वेश्चंस आगे इसकी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करने से पहले एक चीज यहाँ पे जो हमें फर्दर चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंट ऑप्शन देख लेते हैं। लाइब्रेरी के बाद हमारे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, वही रिपोर्ट जो उनसे हम अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं उसका फीडबैक का, स्टूडेंट्स की हमारी असेसमेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कि हम ये असेसमेंट लेंगे कैसे। असेसमेंट स्टूडेंट की असेसमेंट लेने से पहले हमारे पास क्लिकर्स कार्ड होने चाहिए। क्लिकर कार्ड हम कहाँ से लेंगे, तो वो इस ऐप के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जाते हैं और हम वहाँ से उनको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे हेल्प का ऑप्शन है। हेल्प के ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, गेट क्लिकर कार्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट क्लिकर कार्ड्स पर क्लिक करने से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ कार्ड्स वाला ऑप्शन यूज करते हो, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लिकर्स कार्ड पीडीएफ फॉर्म में फाइल ओपन हो जाएगी, जिसको आप सिस्टम पे सेव करके प्रिंटर के थ्रू A4 साइज के पेपर के ऊपर आप इन कार्ड्स को प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक पेज के ऊपर दो ये कोड जो से हैं सामने शो हो रहे हैं। ये क्या चीज है, ये एक जैसे हमारे पास एक QR कोड होता है, इस तरह ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड एक कोड हमारे पास जनरेट हो गया है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉर्नर पे नंबर 1 शो कर रहा है कि ये स्टूडेंट, ये कार्ड नंबर 1 है जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को असाइन किया गया है। इसी तरह यहाँ पे उसके बाद A, B, C और D ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। हर क्वेश्चन के A, B, C, D 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, अब इनको कैसे यूज करना है असेसमेंट के वक्त, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी इस पार्ट 2 जो सेकंड वीडियो है इसकी, उसके अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो इस तरह से इन कार्ड्स को यूज करते हुए और हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे और मोबाइल के थ्रू टीचर जो उनसे वन बाय वन उन क्वेश्चंस को शफल करेगा, स्क्रीन चेंज करेगा और स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स देंगे। और इस कार्ड को टीचर अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेगा, जिसके स्कैनिंग के राइट आफ्टर जो है वो उसके मोबाइल के ऊपर और सिस्टम के ऊपर फॉर यूज की तमाम क्लास की एक असेसमेंट जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने क्लिकर्स को यूज करते हुए आसानी के साथ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर हम क्लास में असेसमेंट करते कैसे हैं, ये एक्टिविटी कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा एक उसको प्रीव्यू में आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Divided by 4 equals, write it on your whiteboard, remember we do PEMDAS, parentheses, multiplication, division, adding, subtracting. Think. Over here.